पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 9 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कृषि विभाग के लिए 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। बाढ़ और सुखाड़ के लिए 50 करोड़ रुपए किए गए मंजूर। अनियमित मानसून, बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि को लेकर राशि जारी कर दी गई है। असमय फसल योजना के तहत बीज वितरण के लिए राशि जारी की गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के एजेंडा स्वीकृत किया गया। काष्ठ आधारित उद्योग की संख्या का किया जाएगा पुनर्निर्धारण। आरा मिल को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में संशोधन को मंजूरी मिली है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जो है पटना में वो खत्म हो चुकी है। कैबिनेट बैठक में कुल 9 प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर मोहर लग चुकी है। कृषि विभाग के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बाढ़ और सुखाड़ के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूरी इसको मिली है। वहीं नियमित मानसून, बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि को लेकर राशि जारी कर दी गई है। असमय फसल योजना के तहत बीज वितरण के लिए राशि जारी की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग में एजेंडा स्वीकृत किया गया। काष्ठ आधारित उद्योगों की संख्या का किया जाएगा पुनर्निर्धारण। आरा मिल को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में भी संशोधन को मंजूरी मिल चुकी है। तो नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई एजेंडों पर मोहर लगी है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं। रितेश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो कैबिनेट की बैठक है वो फिलहाल खत्म हो गई है। 9 ऐसे प्रस्ताव है जिन पर मोहर लग गई है। कौन कौन से वो प्रस्ताव और इससे कितना ज्यादा फायदा आने वाले समय में होने वाला है? देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक जो है वो थोड़ी देर पहले संपन्न हुई है और कुल 9 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें विधि विभाग से जुड़े हुए जो मामले हैं उसमें कैबिनेट की मुहर लगी है। इसके अलावा गृह विभाग की बात कर लें, इसके अलावा कृषि विभाग है, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के भी एजेंडे पर मुहर लगी है। सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो इसमें जो मुहर लगी है वो कृषि विभाग के एजेंडे पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। और उसके अनुसार जो अनियमित मानसून की वजह से खेती किसानी में परेशानी आती है, अल्पवृष्टि की वजह से जो खेती किसानी में परेशानी आती है, या अन्य मौसम की मार की वजह से जिस तरह से किसानों को परेशानी होती है, उसको लेकर 50 करोड़ रुपए की राशि जो है कृषि विभाग के लिए निर्गत की गई है। और उसके अनुसार कई सारे जो बीज हैं उनकी खरीद के लिए कृषि विभाग इसे आवंटित करेगा। जाहिर सी बात है कि किसानों को बेहद राहत होगी, क्योंकि बीज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी खेत और किसान के लिए। क्योंकि बीज की महंगाई जो है और गुणवत्तापूर्ण बीज खरीदना किसानों के लिए शुरू से ही काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे में नीतीश कैबिनेट की ये बैठक जो है वो बेहद सराहनीय कही जा सकती है, क्योंकि मानसून के पहले जिस तरह से हालात उत्पन्न होते हैं, कभी या तो अतिवृष्टि हो जाती है, अल्पवृष्टि हो जाती है, कभी कभी सुखाड़ पड़ जाता है, फिर बाढ़ की समस्या से आप सोचिए कि बिहार के 16 ज़िले जो हैं वो प्रभावित रहते हैं। तो ऐसे में अगर किसानों को बीज खरीदने के लिए राशि जो है नीतीश कैबिनेट ने निर्गत की है तो ये बड़ी ही सराहनीय कदम है और किसानों को काफी राहत मिलेगी इस फैसले को लेकर। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बिहार में देखिए कि जो आरा मिल होते हैं उनको लेकर कई सारे सवाल उठ खड़े होते थे और कई जो अवैध आरा मिल थे उनको एक्शन लिया गया और उनको बंद किया गया। कहीं ना कहीं देखिए कि जलवायु को इससे खतरा होता था। तो अब इन तमाम आरा मिलों की पहचान की गई है, शिनाख्त की गई है और राज्य में तकरीबन 3200 के करीब आरा मिल हैं और जो नए आरा मिल हैं उनके लाइसेंस देने की प्रक्रिया में भी संशोधन किया गया है और इन सारे आरा मिलों की शिनाख्त कर ली गई है। तो जाहिर सी बात है कि वन पर्यावरण के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। विधि विभाग के लिए भी देखिए कि किस तरीके से नए पदों का सृजन भी किया गया है। इसके अलावा जो आदेशपाल होते हैं पटना हाईकोर्ट के या जमादार होते हैं तो उनके वेतन में विसंगति थी तो उसे भी अब कैबिनेट की बैठक में दुरुस्त कर लिया गया है। पटना हाईकोर्ट के लिए भी एक और निर्णय लिया गया है कैबिनेट की बैठक में, क्योंकि जजों की संख्या बहुत ज्यादा है और उसके अनुपात में अगर देखा जाए तो कर्मियों की तादाद काफी कम है और सबसे ज्यादा अगर उच्च न्यायालय में सबसे ज्यादा परेशानी किसी बात को लेकर होती है तो वो होती है ड्राइवरों की तैनाती को लेकर। ड्राइवरों की संख्या काफी कम है, जितने जजों की संख्या है उतने अनुपात में ड्राइवरों की संख्या नहीं है। तो
तो तकरीबन 27 नए ड्राइवरों के पदों को सृजित किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इससे माननीय उच्च न्यायालय में कार्यरत जो भी जज हैं उनको सहूलियत मिलेगी और विधायिका के न्यायपालिका के कार्य में भी काफी अब तेजी आएगी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बिहार में देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को मुकम्मल रखने के लिए, उग्रवाद पर नियंत्रण रखने के लिए जितने भी मिलिट्री से रिटायर लोग होते हैं उनकी सैप में यानी स्पेशल ऑक्सिलियरी फोर्सेज में तैनाती की गई थी, तो इस अवधि का जो टेन्योर होता है उसे भी अब साल 2023-24 के लिए बढ़ा दिया गया है। तो कैबिनेट की बैठक में कुल 9 अहम एजेंडों पर मुहर लगी है और सबसे प्रमुख जो है वो कृषि विभाग का एजेंडा है। जाहिर सी बात है कि इस फैसले से किसानों को काफी राहत मिलने वाली है क्योंकि देखिए कि कुछ दिन बाद मॉनसून शुरू होगा और उसके बाद खेती किसानी जो है वो शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में किसानों को इस फैसले से काफी राहत मिलेगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी रितेश आपसे अपडेट लेंगे।